मुझे तो पहचान गए ना? हाँ, आपकी मही। ए धूम धड़ाका तबला तोड़ने मौज मस्ती से भरने आ गई हूँ मैं अपने परिवार के साथ। लेकिन इस बार हमारे परिवार में एक और नया सदस्य आ गया है, जानते हो कौन है? अरे मेरी सास की भी सास, मतलब मेरी दादी सास। ये दादी सास है ना, वो मानती है कि जिंदगी के आखिरी स्टेशन पर भी हमें हंसते हुए जाना चाहिए। वैसे आपको पता है ना दादी सास यहाँ क्यों आई है? मैं बताती हूँ। बहू को बनाने बहू और सास को बनाने सास। मेरी सासू माँ है ना, उनसे थोड़ा खट्टा मीठा रिश्ता है मेरी दादी सास का। जैसे मेरा है मेरी सासू माँ के साथ, तो ये खट्टा मीठा रिश्ता भले खुद के लिए खट्टा मीठा हो, लेकिन लोगों को तो हंसाता ही है। बस ये खट्टे मीठे रिश्ते में कभी भी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। तो आप भी हमारे इस खट्टे मीठे रिश्ते का मजा लीजिए और दिल से मुस्कुराइए। कहानी अब तक। कमाल है ना, आजकल लोग ऐसे भी चश्मे बनाते हैं जिससे आत्मा दिखती है। हाँ मॉम, ये चीनी लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। अब तक तुम्हारे चाइनीज चश्मे में से कोई आत्मा वात्मा दिखाई नहीं दी मुझे। आप इसे पहन के रखिए, आपको डेफिनेटली आत्मा दिखाई देगी। ये चश्मे में से सचमुच आत्मा दिखती है। आपको किसे पता? अरे वो जो सफेद अम्बा थी ना, उसको मैंने ही भेजा था अनुसुया के पास। तुम हवा में किसी से बात कर रही थी? अरे लाइफ बदल गुआ ऐसा, जब से आइल पैसा। लाइफ बदल गुआ ऐसा, जब से आइल पैसा 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 मानी मानी। ये पौना होएगा धानी, ये पौना होएगा धानी। धानी 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 आइल मानी मानी पानी पौना हो गए धानी 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 पौना हुई। अरे ईगा पैसवा कहाँ गया? धनी से सीधा मेथी धनिया पे आ गए। अरे ये सब क्या करके रखा है आपने? अरे मही भाभी, हमारे ड्रीम सीक्वेंस में बल्टी भर के पानी फेर दिया। आप कितना अच्छा सपना देख रहे थे हम। नबला कोना भाई, फ्री टाइम में सपने देखना हो? अरे पापा, मुझे तो लगा आपने थेपले बना भी दिए होंगे। और ये सब एक काम सरखुनत था तो तुम्हारा थी। चलो मेथी सब जमा करो फटाफट। अब धीरा धीरा एकदम। चलो चलो लो मेथी। है? 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 ये क्या है? आटे के डिब्बे में घड़ी है? ये किसकी है? अरे तो सोनिया भौजी की है। अरे कल वो टेबलवा पर पड़ी थी, हम उनको देने गए, तभी घड़ी में 12:15 बज गया। ससुरी हमारा दिमाग पूरा बंद हो गया और हम भूल गए आटे के डिब्बे में डाल दिए। मही भाभी हम अभी एक धोई देते हैं। ना भोई, ये थोड़ा वापरो। अरे घड़ी है, इस पर आप पानी डाल रहे हो? अरे कल सोनिया भौजी तो एक कपड़ा धोए वाले साबुन से रगड़ रगड़ के धो रही थी। वाटर प्रूफ घड़ी है ये। ओहो एम, वाटर प्रूफ, वाह भाई वाह। हाँ तो क्या हुआ, वाटर प्रूफ है तो पानी से धोने का? ये तो अच्छे, सोनिया भाभी ने कपड़े धोने के धोखे से इसे मारा नहीं, वरना तो बेचारी घड़ी सीधा जकवा मारा है। जवाब दो है। मही भौजी एक बात कहे, वो जो आत्मा देखने वाला चश्मा है ना, ओका हमके एक बार पहनना है। क्यों? अरे उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप टाइप, और उनसे दोस्ती करके खूब पैसा कमाना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। कोना भाई, ऐसे रास्ते से पैसा कमाना बहुत गलत बात है। आपको पता है मेरे बापूजी हमेशा कहा करते थे, ऐसे पैसों से घर में शांति और सुकून नहीं रहते। अरे का मही भौजी, भूखे पेट ज्ञान दे दिया। अच्छा वो छोड़िए, हम अपनी बाबूजी की आत्मा तो देख सकते हैं ना उस चश्मे से। बस तो फिर एक बार हम अपनी बाबूजी की आत्मा को उस चश्मे से देखना चाहते हैं। पौना भाई बिना कोई काम पूरा नहीं करते, सब काम पौना करते हैं।
मेरा काम क्यों कर रही हो? अरे पाप लगेगा मुझे, सीधा नरक पहुंच जाऊंगी मैं। ए? तू क्या स्वर्ग नरक की बात करने लगी? वो अलग बात है कि मर के जीने की मजा ही कुछ और है, लेकिन तेरी उम्र ही क्या है दिख रहा। अरे लेकिन बेबली तुझे एक बात बताऊं, मर के जीने का मजा ही कुछ और है। दिखा 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 दिखा। अरे नहीं दादी सास, मुझे कुछ नहीं देखना है। जब आप चमकती हो ना तो मेरे चेहरे की चमक गायब हो जाती है, ये सोचकर कि पता नहीं अब आप क्या गड़बड़ करने वाली हो। नहीं बेबली, मैं तो खाली तुझे दिखा रही हूँ, मर के जीने का मजा ही कुछ और है। देखिए प्लीज रिक्वेस्ट दादी सास, ये वाला रूप नहीं, पहले वाले साधारण रूप में आ जाइए प्लीज। अच्छा बाबा शांति रख, ये ले बस। बराबर, अभी तू जल्दी से अनुसुया के पास चाइनीज चश्मा लेकर आ और उसको रफे दफे कर दे। क्यों? आपको डर लगता है उनसे? हाँ, ना ना। ए, मैं क्या डरूंगी उससे? भूत कभी किसी से डरते हैं? लोग डरते हैं भूत से। अच्छा तो फिर आप क्यों नहीं जाती लेने? अरे गांडी बेबली, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर मैं गई उसके कमरे में, मैंने चश्मे लिए तो कैसा लगेगा? कोई देखेगा तो चश्मा ऐसे अकेले अकेले जा रहे। दिखाती हूँ। ऐसा तो कोई देखेगा चश्मे को अकेले अकेले जाते हो तो उसको हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा? सच्ची बात दादी सास, लेकिन दादी सास आप वो चश्मे का करोगे क्या? अरे मेरे को कुछ नहीं करना है चश्मे का, लेकिन चश्मे अगर अनुसुया के पास पहुंच गए और चश्मे के अंदर से उसने अगर मुझे देख लिया तो मेरा क्या होगा सोच? सच्ची बात है पापा, ये चश्मा तो बहुत बड़ी मुसीबत है। कुछ भी करके वो मुझे बाहर निकालने की कोशिश करेगी, आकाश पाताल एक कर देगी, मेरे पुतले को भी घर से बाहर निकाल देगी वो। और मैं बेबली, पुतला गया मैं भी गई, दोबारा राम नाम सत्य मेरा हो जाएगा। और फिर अगर मैं घर से चली गई तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। मैं यहाँ मेरा सास धर्म निभाने आई हूँ, अनुसुईया को ठीक करने आई हूँ, और अगर मैं अपना कर्म नहीं करूंगी मैं नरक में जाऊंगी, आत्मा मन के भटकते रहूंगी। नहीं नहीं पापा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दादी सास, एक आइडिया है। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप छोटी बन के घर में घूमिए ना, किसी को नहीं दिखोगी। वैसे वो सोफा के नीचे, फिर टेबल के नीचे, फूलदानी के पीछे, फिर आपका वो दोस्त है ना मुच्छर तबले वाला, उसके पीछे छुप जाना, छुपते छुपते घूमते रहना, पूरे घर में किसी को नहीं दिखोगी। वो मुंगी, चूहा, बिल्ली, छिपकली, वो सब घूमते रहते ना, वैसे घूमते रहना। अरे वाह बेबली, बेस्ट आइडिया, तू अपना दिमाग बहुत यूज करती है ना। मतलब जब मैं छोटी होगी ना तो चूहे को तो मैं दिखूंगी तो चूहा मेरे पीछे भागेगा, बिल्ली को चूहा दिखेगा तो बिल्ली चूहे के पीछे भागेगी, और फिर कुत्ता को बिल्ली दिखेगी तो कुत्ता बिल्ली के पीछे भागेगा, और सोनिया को कुत्ता दिखेगा तो सोनिया कुत्ते के पीछे भागी, ऐसे पूरे घर में भागम दौड़ होगी। ये जोक था? वो हंसी नहीं, अच्छा था और मजा भी आया। छोड़ दे तू जोक की बात, छोड़ दे, असल बात ये है कि जब मैं छोटी होती हूँ तो थोड़े टाइम के लिए ही हो सकती हूँ, ज्यादा लंबे टाइम के लिए मैं छोटी नहीं हो सकती हूँ, समझ गई? मेरी शक्ति चली जाती है तो फिर मेरे को जल्दी जल्दी मैं वापस बड़ी हो जाऊंगी और फिर वापस मैं दिख जाऊंगी और अनुसुईया मुझे घर के बाहर निकल देगी। अरे बाप रे, ऐसा है? हाँ देखना, ऐसा ही है। और बेबली मुझे ये घर छोड़ के नहीं जाना है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मेरे सब घर वाले लोग, मेरे सब पूरा परिवार इधर है। नक्कामा बाबला रोहित, चाइनीज बाबला सागर, बुद्धू बेबली सोनिया, अकड़ू बेबली अनुसुईया, और मेरी सबसे अच्छी दोस्त मही बेबली, तू है ना इस घर में, मुझे तेरे साथ रहना है मही, बहुत अच्छा लगता है। देख तूने दोस्ती की है तो फिर निभानी तो पड़ेगी। हो दादी सास, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं लेकर आऊंगी चश्मा आपके लिए, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि आप वो चश्मे को कुछ नहीं करेगी,
क्योंकि सागर जी के पास वैसा एक ही पीस है ना, वचन दीजिए। अच्छा हुआ उसके पास एक ही पीस है, ये तो मेरा क्या होता। मैं वादा करती हूँ मैं सब कुछ करूंगी। नहीं मतलब मैं कुछ भी नहीं करूंगी, ऐसा बोल रही हूँ बाबा। ये ले, तेरा हाथ किधर है? दादी सास। अरे मैंने दिया ना वचन तुझे। ये ले। सागर वो एक प्रॉब्लम हो गई है, वो चश्मा है ना वो गायब हो गया। What? हम आप क्या बोल रहे हैं? मेरे पास वही एक सैंपल पीस था, उस पर लिखे नंबर के हिसाब से मुझे बाकी का ऑर्डर करना था। I'm really very sorry बच्चा। मम्मा प्लीज याद करिए मम। मेरे कमरे में तुम आई थी ना चाय लेकर? हाँ हाँ आई थी सासुमा, कॉफी लेकर आई थी, लेकिन चश्मे मैंने नहीं चुराए सासुमा। अब मुझे याद आया, तुम मेरे कॉफी के कप में चाय लेकर आई थी। हाँ हाँ सासुमा, लेकिन वो चाय झूठी नहीं थी, बिल्कुल झूठी नहीं थी, वो गलती से आपके कप में चाय छान ली थी मैंने थोड़ा। और उसी कप में से चाय निकाल कर उसमें कॉफी डालकर लेके आई। अरे बात हमार भारी बा, पता नहीं भूले की बीमारी बा। सागर भैया समझ में नहीं आ रहा है कि कॉफी का प्रॉब्लम है कि चश्मे का। राइट पोना, मॉम मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप मेरे चाइनीज चश्मे के बारे में बात कीजिए ना। हाँ सॉरी, हाँ चश्मा देखो मेरे पास चश्मा था, मैंने चश्मा निकाला और मैंने इसे टेबल पर रखा। वाह बेबली वाह, क्या हाथ की सफाई की है तूने, चश्मा चुरा लिए और सास को पता भी नहीं चला। वाह 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 वाह। नहीं 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 दादी सास, चश्मे मैंने नहीं चुराए अभी तक। क्या धीरे बोलिए, धीरे बोलिए। क्या अरे लेकिन मैं क्यों धीरे से बोलूं, मैं भूत हूँ, मेरी आवाज कोई नहीं सुन सकता। तू पूछती है या भोजपुरी भूत से तू पूछती है कि मैं ही पूछती हूँ? रुक उसको। ए भोजपुरी भूत। नहीं नहीं दादी सास, ऐसा मत कीजिए दादी सास। ओम शांति ओम शांति, ये वाले रूप में मत आओ। मैं पूछती हूँ, शांत हो जाइए। ठीक है भोजपुरी भाई। पौना भाई वो चश्मे आपने चुराए? अरे नहीं भौजी, हम चश्मा लाने गए थे लेकिन नहीं ला पाए। चश्मा लाते तो साथ में मैडम को भी उठा कर लाना पड़ता था। है? काहे इसकी चश्मा मैडम लगा के बैठी थी। अच्छा भी नहीं था और मजा भी नहीं आया। तेरे को तो किसी में मजा आती नहीं है अनुसुईया। मॉम मुझे वो चश्मा किसी भी हाल में चाहिए, नहीं तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। प्लीज मॉम। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है मैं जानती हूँ कि वो चश्मा किसके पास है। एक घंटे का वक्त देती हूँ, अगर एक घंटे के अंदर अंदर वो चश्मा मुझे नहीं मिला तो आज इस घर में खाना नहीं बनेगा। दादी सास वो चश्मा मैंने नहीं चुराया, पौना भाई ने नहीं चुराया, तो फिर गया कहाँ? अरे ढूंढ ढूंढ बेबली चश्मे को ढूंढ, वो चश्मे अगर अनूरी के हाथ में लग गए तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या होगा कालिया। तुम जिंदा हो और इसमें मरे हुए लोगों की आत्मा दिखाई देती है, तुमने अपने आप को देखा आईने में? रोहित अगर मरे हुए लोगों की आत्मा होती है तो जिंदा लोगों की आत्मा नहीं हो सकती। हाँ ये रिसर्च का विषय है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर तुम ये चश्मा पहले मौ। मैं आत्मा देखने के लिए लाई हूँ। आत्मा
अच्छा मतलब ये पराक्रम बुद्धू मेबली ने किया। रोहित रोहित उस फ्रेम में अभी मैंने किसी को देखा। अरे उस फ्रेम में जो तस्वीर है तुमने उसे देखा होगा। पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ किसी को देखा। सोनिया ये चश्मा तुम जल्दी से जल्दी मॉम को वापस कर दो वरना जितनी हो ना उससे भी ज्यादा पागल हो जाओगी। एक बार बस आत्मा को देख लो उसके बाद दे दूंगी। हाँ सर। क्या सोनिया भाभी के पास है चश्मा? हाँ तो? हाँ हाँ मैं मीटिंग के लिए पहुँच रहा हूँ। रोहित भैया सोनिया भाभी कहाँ है? कमरे में। तू डोबी है, है? क्या कर रही है तू? मैंने बताया ना तुझे कि बुद्धू बेबी चश्मे के साथ खेल रही है अपने कमरे में। तू ये नकामा बाबले को क्यों पूछ रही है? सारी 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 क्या और एक बात में सारी सारी करती रहती। दिमाग यूज कर तू। चल जल्दी चल उसके कमरे में। देख नकामा बाबला भी गया। जल्दी से सोनिया के कमरे में चलते और चश्मा को लेके आते हैं। चल चलो। अच्छा मैं पहुंचती हूँ जा तू ऊपर। हाँ जल्दी आओ। मैं क्या बोल रही थी भाभी? आप कमरे से बाहर जाएंगी प्लीज? मैं आपका कमरा मस्त चमचमाता साफ कर दूंगी। हाँ पर मही कमरा साफ करना है ना तो कमरे को बाहर लेके जाओ। मैं क्यों बाहर जाऊं? बराबर है बराबर। लेकिन ये कमरा कितना बड़ा है अब मैं कैसे बाहर ले जाऊंगी? ए मही कमरा भी चाइनीज प्रोडक्ट की तरह होना चाहिए। जब जरूरत पड़े बाहर लेके जाओ साफ सफाई करके अंदर रख दो है ना। मस्त है। सर सर झाड़ू। हाँ हाँ दादी सास दादी सास दादी सास। बेबली ओ बेबली इधर इधर ये देख ये देख इधर है चश्मे। ये देख आत्मा देखू चश्मा। क्यों देखना है वो चाइनीज लोग को आत्मा को क्यों देखना है कि ऐसा बना है चश्मा। इस चश्मे को तो मैं तोड़ी ना खुद फेंकी ना खुद ना भांगी ना भूखो करी ना खुद। नहीं नहीं दादी सास मैंने आपको बोला था ना सागर जी के पास ये एक ही पीस है बेचारे तानसेन में आ जाएंगे ना। तानसेन? सागर तानसेन की तरह गाना गाता है? गाना ना ना वे तानसेन वो दिमाग भम जाता है चिंता चिंता। अच्छा तो टेंशन की बात करते क्या मोहित? तानसेन की तो टेंशन कर अभी मैं टेंशन में हूँ। देख तू ये चश्मा को ऐसी जगह पे रख जहाँ पे तेरे तानसेन को भी ये नहीं मिले। हाँ ये मेरे पास एक बेस्ट आइडिया है। मही पौना सोनिया जल्दी बाहर आओ। जी सासुमा। जी मॉम। जी मैडम जी। ये क्या जी 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 लगा के रखा है? पूरा एक घंटा कंप्लीट हो चुका है मुझे चश्मा चाहिए। मही मुझे पता है कि वो चश्मा तुम्हारे पास है। मुझे चश्मा दो। पापा वो रहा चश्मा। अरे कैसन चश्मा है मुराद भी ससुरी इंटरेस्ट ले रही है। ये चश्मा यहाँ आया कहाँ से? वाओ ये चाइनीज चश्मे में चलने की खूबी तो नहीं होगी जो चलकर यहाँ आ गए। मस्त। मैं पूछती हूँ ये चश्मा यहाँ कैसे आ गया? मैंने रखा अन्नाडी बेबली। अगर सागर असली चश्मा ला सकता है तो मैं नकली चश्मे नहीं ला सकती। का सुकेत पूछ पूछ इसको पूछ मैं दिखाई देती हूँ क्या? पूछ पूछ। ससुमा आपको कोई आत्मा दिखाई दे रही है? मैं दिखाई दे रही हूँ तेरे को? हाँ बेबली बोल बोल। हाँ मुझे तो इस चश्मे में से तुम
भूत की तरह दिखाई दे रही हूँ। अच्छा, मतलब मैं दिखाई दे रही हूँ आपको? कोई भूत आत्मा वात्मा नहीं दिख रही है ना? मुझे तो तू चश्मे के बगैर भी भूत दिखाई देती है अनसुया। अभी वो आत्मा आजू बाजू में है नहीं ना, तो दिखाई कैसे देगी? वो मेरे कमरे में थी तब मुझे दिखाई दी थी। हाँ, क्योंकि वो असली चश्मे थे और ये नकली है। असली चश्मे में आत्मा दिखाई देती है, लेकिन मैंने चश्मे बदल दिए। ये मई, असली चश्मे तूने संभाल के रखे है ना? हाँ दादी, बस एकदम मस्त मस्त मस्त। ये क्या है, कर 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 कर, मस्त मस्त। हाँ, कोलकाता में हैकनो मोटापा 3D वॉच 1500 पीस और नागपुर में चिंचोंग पांचिंग LED शूज 1500 पीस और क्लाइंट को क्विक डिलीवरी चाहिए। ओके? हाँ। अरे ढूंढ ढूंढ, जितना ढूंढना है ढूंढती रहे तू आत्मा। मैं इधर ही खड़ी हूँ, ढूंढ ढूंढ। हाँ ढूंढ ढूंढ। वाह इधर देख, इधर देख, ये साइड पे। ओ इधर आ, ऊपर ऊपर देख, उधर। हाँ मिल गया चश्मा, मिल गया, मिल गया। तुम्हारे पास भी एक चश्मा है? ये दो दो चश्मे कहाँ से आए? और वो भी सेम टू सेम। संभाल के नहीं रखे चश्मे। सागर, इसे पहनो और देखो तुम्हें कोई आत्मा नजर आ रही है। एक मिनट मॉम। नाना, ए मत पहन सागर, मत पहन। Oh!